हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है तुहाडे अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट पंजाब ते। अज आपां पंजाबी दे वन लाइनर क्वेश्चन करन जा रहे हाँ, जो कि तुहाडे लई बहुत ही हैल्पफुल रहणगे, जिवें कि पंजाबी मास्टर केडर, ETT पेपर ए अते जो कंपीटेटिव एग्जाम होंदे ने उस तो पहला जिहड़ा पंजाबी दे पेपर उन्होंने रख्या है, उस वास्ते भी बहुत ही हैल्पफुल वीडियो रहेगा। शुरू करते हैं, तुहाडा टाइम वेस्ट ना करते हुए पहला प्रश्न है, शायद विजिबल है स्क्रीन, चल विजिबल ना भी हुए तो तुसी साउंड ते फोकस कर सकते हो। किस वार्तककार दीयां रचनावां वधेरे करके सिक्ख्या संबंधित हन? एक वार्तककार है, एक तो ये याद रखना कौन, बिहारी लाल पुरी है जिहड़ा वार्तककार, उस दे रचनावां ने वधेरे करके सिक्ख्या नाल संबंधित ने। ये मास्टर केडर लई दोस्तों इंपोर्टेंट होणगे ज़्यादातर क्वेश्चन। नैक्सट प्रश्न है, मौत राणी दा कुंड वार्तक रचना है तो किस दी है? ये अपना ऑप्शन नहीं देंगे, सीधा ही आप याद ही करा देने तुहानू, लाल सिंह कमला अकाली ने जिहड़े, इन्हां दी की है मौत राणी दा कुंड वार्तक भाग है, वार्तक रचना है, तो ये भी तुसी याद रखोगे। एक है किस वार्तककार दी रचनावां वधेरे करके सिक्ख्या नाल संबंधित ने, तो इन्हें बिहारी लाल पुरी दियाँ जिहड़ियां भी इन्हां दी रचनावां कीतियां ने वो ज़्यादातर सिक्ख्यावां नाल ही संबंधित है, मतलब सिक्ख्या रिलेटिड एजुकेशन रिलेटिड ने। नैक्सट है, ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਹਾਸੇ ਵਾਰਤਕ ਦਾ ਰਚਨਾਕਰਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ। ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਹਾਸੇ ਵਾਰਤਕ ਦਾ ਰਚਨਾਹਾਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁਸਚਨ ਇੱਦਾਂ ਦਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਈ ਵਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਹਾਸੇ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ, ਵੇਖ ਮੌਤ ਰਾਣੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਨਾ। ਨੈਕਸਟ, ਬਲਰਾਜ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਰੂਸ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਦੋ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਲਿਖੇ ਸੀ। एक प्रश्न बनता है कि किहड़े देशों के बारे उन्हें सफरनामे लिखे सी, दो तो उन्होंने लिखे ने रूस और पाकिस्तान के बारे, किसने? बलराज सहानी ने, इस नाम का जिहड़ा बंदा है लेखक है, तो उन्होंने सफरनामे लिखे से जिहड़े, ये रूसी सफरनामा कहा जाता है शायद। तो नैक्सट है, आरसी स्वैजीवनी किस दी है? आरसी जिहड़ी स्वैजीवनी है ये किस दी है? आरसी स्वैजीवनी तेजा सिंह दी है, तेजा सिंह की आरसी स्वैजीवनी, ये भी इंपोर्टेंट है। नैक्सट है, परम मनुख वार्तक लेखक निबंध संग्रह किसदा है? गुरबख्श सिंह प्रीतलड़ी। परम मनुख वार्तक लेखक का है निबंध संग्रह है एक तरह का, तो यह परम मनुख है यदा नाम, निबंध संग्रह का निबंध का नाम, तो यह गुरबख्श सिंह प्रीतलड़ी सुने ही होना, फ्रैंक गुरबख्श सिंह प्रीतलड़ी उन्होंने है। नैक्सट, डॉक्टर बलबीर सिंह दे परिवार दे इतिहास नाल संबंधित, डॉक्टर बलबीर सिंह दे परिवार दे नाल इतिहास से संबंधित है एक, तो यह चरण हर विस्तार इस नाम की है। तो नैक्सट है, कपूर सिंह वार्तककार सी, कपूर सिंह उन्हां दा जीवन काल किहड़ी सदी का देवी का, मतलब किहड़ी सदी विच है? तो 1900 कुछ ईयर तो वो स्टार्ट सी, तो 20वीं सदी बच्चे आ गए ना, 1900 प्लस हो गया, तो 1950 जिमें हो गया, तो 20वीं सदी के वार्तककार सी। कौन? कपूर सिंह की आप गल कर रहे हैं। कलम दे धनी निबंध संग्रह इंपोर्टेंट है, कलम दे धनी बहुत बार सुनिया होना शायद तुसी, प्यारा सिंह पदम दा है कलम दे धनी। डॉक्टर अगे नैक्सट प्रश्न अपना, डॉक्टर TR शर्मा उन्होंने निबंध रचना उन्हें की थी सिक्ख्या प्रणाली अध्यापन, यदा नाम किसी सिक्ख्या प्रणाली अध्यापन, डॉक्टर TR शर्मा की। ज्ञानी गुरदित्त सिंह की पुस्तक मेरा पिंड, ज्ञानी गुरदित्त सिंह की पुस्तक मेरा पिंड है, तो ये खेत्र केड़े की गल की है मेरे पिंड के? मालवे की गल की, मालवे जिम्मे 14 डिस्ट्रिक्ट ने 15 वो सारिया आ जाएंग मालवे की, तो उस खेत्र की जी भाषा उप बोली उन्हें यूज़ की बच्च अपनी पुस्तक के, ज्ञानी गुरदित्त सिंह नाम सुनिया होना तुसी। अगे डॉक्टर नरिंदर सिंह कपूर की निबंध कला का उगा लक्षण की है? तो मनोविग्ञानिक दृष्टि है, मनोविग्ञानिक दृष्टि जी एक तरह की उन्होंने लॉजिक या होर नाम दिता जा सकता। नैक्सट प्रश्न है, कहानी संग्रह एक है सुपनिया की कबर ना दी एक किस दी है? कहानी संग्रह है, तो यह नानक सिंह दी, नानक सिंह नावलकार भी सी, ये नानक सिंह दी कहानी संग्रह है एक सुपनिया की कबर। नैक्सट प्रश्न है अपना, अगला प्रश्न है,
ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ। ਇਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਨਵੀਂ ਰੁੱਤ, ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਮਹਿਕ, ਚਾਨਣ ਦੇ ਬੀਜ। ਇਹ ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨੇ। ਚਾਨਣ ਦੇ ਬੀਜ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਸਮਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਮਹਿਕ ਹੋ ਗਈ, ਨਵੀਂ ਰੁੱਤ ਹੋ ਗਈ, ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਰੁੱਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਅਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਬਹਿਕ ਆਉਂਦੀ ਅਤੇ ਚਾਨਣ ਹੀ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਕਾਵਤ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ। ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਧੀਰ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਧੀਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਨਮ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਧੀਰ ਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਦਲੀਪ ਕੌਰ ਟਿਵਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਦੋਸਤੋ। ਦਲੀਪ ਕੌਰ ਟਿਵਾਣਾ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਇਹਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਬਲ ਵੈਨ, ਤਰਾਟਾਂ, ਵੈਰਾਗੇ ਨੈਣ, ਵੈਰਾਗੀ ਨੈਣ, ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਦਲੀਪ ਕੌਰ ਟਿਵਾਣਾ ਦੀਆਂ। ਦੋਸਤੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਇੱਕ ਤਾਂ, ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਇਹਦੇ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਠੀਕ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕਸ ਫੋਰ ਵਾਚਿੰਗ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ।